फ्रेंड्स, मैं उमेश गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी प्लस चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक V6 समरसिबल पंप को बनाकर। जी हाँ दोस्तों, यह V6 समरसिबल का पंप है जो कि 7.5 HP 8 स्टेज का है और इसकी पंप का एम्पिलर 125 यानी कि 125 नंबर का है। और दोस्तों, मैं आपको एक नया समरसिबल पंप को बना के दिखाऊँगा। ये दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो आप इसकी रिपेयरिंग करना भी सीख जाएंगे। और V4 समरसिबल पंप की रिपेयरिंग का भाग तो मैंने अपलोड कर दिया है, यदि आपने ना देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहुंच जाकर उसे देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी प्लस चैनल। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इसी तरह मैं आपको समरसिबल के बारे में जानकारी देता रहूँगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ पार्ट्स के नाम यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एम्पिलर है जो कि स्टील का बना होता है। दोस्तों, पानी तो यही निकलता है। और ये कास्टिंग का बाउल है जो कि कास्टिंग का होता है। और इसके अंदर हमने ये देखिए रबड़ की बूशिंग पहले ही बिठा दी है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रबड़ बूशिंग काम क्या करती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर एक स्लीव घूमती है जो कि एम्पिलर के ऊपर लगी रहती है और वो स्लीव इस रबड़ बूश के अंदर घूमते हैं, जिससे साफ्टिंग को बहुत ही सपोर्ट मिलता है और वो टेढ़ी नहीं होती। यदि दोस्तों साफ्टिंग टेढ़ी हो जाएगी तो एम्पिलर बहुत आपस में घिस जाएंगे। और ये देखिए, ये स्टील की साफ्टिंग है जो कि 20 mm की है, 18 mm की है। और ये देखिए, यहाँ पे चाबी के खांचे बने होते हैं पहले से ही। और ये देखिए, पंप का कप्पल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए साफ्टिंग बैठती है और ये भाग मोटर पे जुड़ा रहता है। और ये देखिए दोस्तों, ये 18 mm के होल वाली की स्लीव है, स्टील की होती है जो कि एम्पिलर के नीचे रहती है, यानी कि एम्पिलर में चाल सेट करने के लिए यही काम में आती है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, बड़ी वाली स्लीव जो मैंने आपको अभी बताई है, एम्पिलर के ऊपर लगती है और वो जो रबड़ की बूशिंग होती है बाउल में, कास्टिंग के बाउल में, उस पर ये घूमती है, जिससे साफ्टिंग टेढ़ी नहीं होती और साफ्टिंग को बहुत ही सपोर्ट मिलता है। और देखिए, स्टर्ड है जो कि हम NRV में कुछ इस तरह से चढ़ा देते हैं। ये 8 mm का स्टड है दोस्तों, 8x25 का स्टड बोलते हैं इसकी साइज है। और कुछ इस तरह से हम इस पे टाइट कर देते हैं हाथ से ही। और ये देखिए, ये NRV है जो कि 2.5 की लाइन है, यानी कि 2.5 इंच की इसकी लाइन है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 2.5 की लाइन है। चलिए दोस्तों, अब पंप बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, साफ्टिंग पे मैंने चाबी लगा दी है और अब इसके ऊपर पंप के कप्पल को हम कुछ इस तरह से लगा देते हैं। अब दोस्तों, हमें साफ्टिंग और पंप के कप्पल को दोनों आपको आपस में जोड़ने के लिए, यानी कि दोनों को जुड़े रहने के लिए, यहाँ पे एलंकी बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि 8 mm का होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा लॉक टाइट लगा के उस बोल्ट में यहाँ पे साफ्टिंग और कप्पल को टाइट कर देते हैं इस एलंकी बोल्ट से। लॉक टाइट लगाने के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, ये भी क्योंकि ये V6 का समरसिबल का पंप होता है जो कि खुल भी जाता है, इसलिए लॉक टाइट लगाने से ये टाइट रहेगा, खुलेगा नहीं। और कुछ इस तरह से बोल्ट को लगा के एलंकी पाना से इसे टाइट कर देते हैं।
और दोस्तों मैं पंप की आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ, पंप का पानी कैसे निकालता है। दोस्तों जी हाँ, मोटर पंप के कप्पल को घुमाती है, कप्पल जब भी शाफ्टिंग से ज्वाइंट होता है तो वो शाफ्टिंग को घुमाता है, और शाफ्टिंग में जो चाबी के खांचे में चाबी लगी रहती है उसमें एम्पिलर फिक्स होता है, जो कि एम्पिलर घूमता है तो वही पानी निकालता है दोस्तों। बस यही इसकी प्रोसेस है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे शाफ्टिंग पे लाग लगा के कुछ इस तरह से एलंगे बोल्ट को फुल टाइट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एलंगे बोल्ट को टाइट कर दिया और कुछ इस तरह से अभी हमारी शाफ्टिंग और कप्पल दिखती है। अब इसके अंदर से ये सक्शन डालते हैं। सक्शन में दोस्तों पित्तल की बूस होती है, मेटल गन मेटल की बूस होती है, उसको हमने पहले वहाँ पर बिठा दिया। और दोस्तों कहीं कहीं पे उस सक्शन में रबर की बूस भी आ जाती है। और देखिए, जो मैंने आपको छोटी स्लीव बताई थी जो कि 18 mm की थी, सबसे नीचे हम सेटिंग की स्लीव इसे यहाँ पे डाल देते हैं, और अब इसके ऊपर एम्पिलर डाल देते हैं, जो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये स्टील का एम्पिलर है जो कि 125 नंबर का है, और ये पंप 7.5 HP 8 स्टेज का, यानी कि 7.5 HP के ऊपर लगेगा ये पंप। और कुछ इस तरह से एम्पिलर, स्टील के एम्पिलर को हम यहाँ पे लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे चाल हमें देख रहा होता है कि 4 mm का ही चाल होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाल कम लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वाइसर का उपयोग करेंगे। और ये वाइसर 18 mm का होल वाला और 1 mm इसकी जडाई होती है, यानी कि मोटाई इसकी 1 mm और इसका होल 18 mm का होता है। और फिर से एम्पिलर को यहाँ पे डाल के हम देखेंगे कि चाल सही है कि नहीं। चाल किस तरह यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखते हैं, एम्पिलर को हाथ से पकड़ के सक्शन वहाँ पे उठा लेते हैं, और जो पंप का कप्पल होता है उसमें जगह जो होती है वही चाल होती है। जी हाँ दोस्तों, मेरे हाथ पे देखिए 4 mm की चाबी है, जिसको वहाँ पर हम डाल के देखते हैं कि चाल सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाल हमें सही लग रही है, 4 mm पूरी पूरी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह चाबी जा रही है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम स्लीव डालेंगे, जो बड़ी वाली स्लीव, मैंने 2 स्लीव आपको दिखाई थी। और एक और ख़ास बात दोस्तों, यहाँ पे ऑयल डाल देना है, तभी पंप दोस्तों फ्री होगा। ऑयल डाल दे जाना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एम्पिलर के नीचे नेक रिंग होती है जो कि रबड़ की होती है, उसको कैसे बिठाते हैं बाउल में वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब इससे बड़ी स्लीव इसके एम्पिलर के ऊपर डालेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि कास्टिंग के बाउल में जो रबड़ की बूस हमने बिठाई थी, वो ये स्लीव उस बूस पे घूमेगी। ये बड़ी वाली स्लीव है दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ा ऑयल लगा देंगे, जिससे रबड़ के बूस में ये स्लीव आसानी से घूम सके और पंप अच्छा फ्री हो सके, यानी कि अच्छा घूमे। कुछ इस तरह से पहला बाउल हमने यहाँ पे लगा दिया है, और वो स्लीव देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रही है। अब इसके ऊपर हम दूसरा एम्पिलर डालेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दूसरा एम्पिलर डाल रहे हैं, कुछ इस तरह से बिठा देंगे और चाल देख लेंगे कि चाल सही है या नहीं। यहाँ पे देखिए, फिर से नेक रिंग पे एम्पिलर के ऑयल थोड़ा सा लगा देंगे, और उसके ऊपर बड़ी वाली स्लीव हमें डालते ही जाना है दोस्तों। ये देखिए, ये बड़ी वाली स्लीव है, उसको हम यहाँ पे डाल दी। इस स्लीव की साइज दोस्तों 18 mm की होल वाली और 45 mm की लंबाई है, यानी कि इसको हम 18-45 भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये बाउल है जो कि कास्टिंग का है, इसके एम्पिलर के ऊपर कुछ इस तरह से हमने बिठा के यहाँ पे थोड़े और लट्ठे से, मतलब फाइबर का कोई भी या लकड़े का कोई भी वस्तु हो सके उससे ही आप मार सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा वहीं मार सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह लगा के बिठा देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा 2 स्टेज कम्प्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेज की ओर। और देखिए दोस्तों, हमें हर स्टेज में यही माप लेना है कि
सक्शन और कपल के बीच में जो चाल होती है वो 4 mm है कि नहीं। और देखिए एक चाबी, अब दूसरी चाबी हम लगाते हैं। दोस्तों चाबी हमें नहीं भूलनी है, क्योंकि इसी चाबी से, जो चार चार की चाबी है, इसी चाबी से एम्पिलर घूमता है। अब इस तरह से हमें मार के बिठा देते हैं शाफ्टिंग में चाबी को। देखिए चाबी के खांचे में चाबी को कुछ इस तरह से हमने बिठा दिया है। अब एम्पिलर के ऊपर हम स्लीव डालेंगे बड़ी वाली। जी हाँ दोस्तों, जितना हमें एम्पिलर डालना है उतने उसके ऊपर उतने ही स्लीव डालने हैं। स्लीव काम क्या करती है दोस्तों, ये शाफ्टिंग को सपोर्ट देती है। जब दोस्तों इसके ऊपर हम बाउल बिठाते हैं तो बाउल में रखे रबर बूस पे स्लीव घूमते हैं, जिससे शाफ्टिंग टेढ़ी नहीं होती और उसको बहुत ही सपोर्ट मिलता है। बस यही कारण है। अब ये देखिए दोस्तों, नेक रिंग है जो कि रबड़ की बनी होती है। दोस्तों यहाँ पे अब जब हम नेक रिंग नहीं बिठाएंगे तो एम्पिलर और बाउल के बीच में ज़्यादा जगह हो जाती है, जिससे कि पानी आधा तो बाहर निकल जाएगा, जिससे पंप प्रेशर ही नहीं देगा। इसलिए हमें यहाँ पर नेक रिंग बिठानी पड़ती है। जिस तरह से रबड़ की नेक रिंग होती है जो बाउल में, कुछ इस तरह से हम बिठाते हैं। और इस तरह से ये एम्पिलर इस नेक रिंग के ऊपर ही बैठता है, यानी कि इस नेक रिंग के ऊपर ही घूमता है, जिससे ज़्यादा चाल नहीं हो पाती और पंप का जो नीचे से पानी आता है वो सीधा एम्पिलर पे जाता है। और कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे बिठा दी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 3 स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया और 5 स्टेज अभी बाकी है। ये दोस्तों स्टेज क्या है आपको पता है, यहाँ पे जितना बाउल और एम्पिलर होता है, यदि 3 बाउल और 3 एम्पिलर है तो वो 3 स्टेज का हुआ, 20 बाउल 20 एम्पिलर है तो वो 20 स्टेज का हुआ। मतलब जितना बाउल और जितना एम्पिलर होता है वो स्टेज कहलाता है। और देखिए चौथा एम्पिलर भी हमने यहाँ पे डाल दिया। और पंप को हमें अच्छे से घुमा के भी देख लेना कि पंप फ्री है, कहीं जाम तो नहीं हो रहा। और देखिए दोस्तों अब फिर से हम चाल चेक करने वाले हैं, यानी कि शाफ्टिंग और बाउल को एम्पिलर को ऊपर से यहाँ पे देख पकड़ लेंगे और नीचे किसी वस्तु से उठा के देखते हैं कि 4 mm में चाल है या नहीं। और फिर से इसके ऊपर हम स्लीव डाल देते हैं बड़ी वाली। और स्लीव यहाँ पे हमारी फ्री हो जानी चाहिए, नहीं तो कभी पंप जाम हुआ तो इसे खोलने में हमें बहुत ही दिक्कत हो सकती है। और फिर से कुछ इस तरह से हम यहाँ पे बाउल बिठा देंगे कास्टिंग का और आराम आराम से मार के इसे बिठा देते हैं। पंप को घुमा के हमें देख लेना है पंप फ्री हो रहा है या नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 6वें एम्पिलर को हम डाल देते हैं। और फिर से इसके ऊपर हम वही बड़ी वाली स्लीव, जिसकी लंबाई 18 mm की होल वाली और 45 mm इसकी लंबाई है, जो कि दोस्तों 25 mm रबड़ बूस के ऊपर अंदर घूमती है। जी हाँ दोस्तों, एम्पिलर वो बाउल के अंदर जो हमने रबड़ बूस बिठाई है उसकी साइड के अंदर 25 mm है। और कुछ लास्ट एम्पिलर देखिए दोस्तों हमारा है। और कुछ इस तरह से हम लास्ट एम्पिलर देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि इस पंप में हम प्रेशर मारने जा रहे हैं। जी दोस्तों, ये छोटी सी स्लीव है जो कि शाफ्टिंग से हमें सिर्फ 0.5 mm में ऊपर रखनी है, ताकि जब स्लीव को हम एलंगे बोल्ट से लगा के फुल टाइट करें तो एम्पिलर सिर्फ 0.5 mm यानी कि दबेगा तो नहीं, क्योंकि ये स्टील का होता है। यदि हम
1 mm 2 mm रख देंगे तो पंप जाम हो जाएगा, पंप फ्री नहीं होगा दोस्तों। इसलिए स्लीव को शाफ्टिंग से सिर्फ आधा आधा 1 mm ऊपर रखें ताकि सिर्फ एम्पलेट हिले नहीं, स्लीव केवल हिले नहीं, टाइट हो जाए थोड़ा सा बस। इसीलिए हमें शाफ्टिंग को स्लीव को शाफ्टिंग से आधा 1 mm ही ऊपर रखनी है। बहुत ही 2-3 बार 4 बार 5 बार जितना बार हो सके वहाँ पे आप चेक कीजिए, आधा 1 mm यहाँ पे रहनी चाहिए, ना तो पंप बिल्कुल जाम हो जाएगा, वो चलने लायक तो नहीं रहेगा। अब इस स्लीव के ऊपर हम टॉप वाइसर रख के लंकी बोल्ट से फुल टाइट कर देंगे, और इस लंकी बोल्ट में देखिए दोस्तों लॉक टाइट भी लगा देंगे जिससे यह बोल्ट खुलेगा नहीं, बिल्कुल जम जाएगा दोस्तों अंदर। और कुछ इस तरह से टॉप वाइसर के ऊपर बोल्ट लगा के इस पाने से इसको फुल टाइट कर देना है। इस पाने को देखिए एम्पिलेट के होल पे लगा के इस पाने से हमें फुल टाइट कर देना है, स्लीव को बोल्ट को फुल टाइट कर देना है दोस्तों। और देखिए दोस्तों हमें फिर से वहाँ पे ऑयल नेकरिंग पे जो हमने रबर की बिठाई थी अभी और स्लीव पे ऑयल डाल देना है दोस्तों। और ये देखिए बाउल और एनआरबी को हमने पहले से जॉइंट कर दिया था और कुछ इस तरह से हम यहाँ पे बिठा देंगे। यदि और यदि दोस्तों पंप थोड़ा सा जाम हो रहा है तो कुछ इस तरह से हमें ज़मीन पे पटक के इसको फ्री भी कर लेना होता है, क्योंकि सभी बाउल बहुत ही आराम से बैठ जाते हैं। और देखिए पंप हमारा फ्री घूम रहा है यानी कि ये चलेगा दोस्तों। और यदि थोड़ा टाइट हो रहा है तो फिर से इधर और कुछ दोस्तों ये पंप इस तरह से दिख रहा है अभी। और देखिए दोस्तों ये जो स्टड बाहर निकले थे जिसको हमने लगाया था अभी, उसको ये 8 mm के नट से टाइट कर देते हैं जिससे दोस्तों एक बाउल दूसरे बाउल को और दूसरा तीसरा ऐसे बाउल दोस्तों ज्वाइंट हो जाए, जिससे नहीं तो ये पंप तो डार में ही चला जाएगा, बोर में चला जाएगा। दोस्तों 8 mm का नट है और स्टड में कुछ इस तरह से लगा के इसे हमें फुल टाइट कर देना है ताकि दोस्तों एक दूसरे को ये पकड़े रहते हैं बोल्ट के हिसाब से, यानी कि नट बोल्ट के सहारे एक दूसरे को यहाँ पे पकड़े रहते हैं। और कुछ पंप में दोस्तों पट्टी आती है, सीधी पट्टी एनआरवी से सक्शन में टाइट हो जाती है, और इस 8 mm को पाने से यहाँ पे लगा के हम फुल टाइट कर देना है। जैसा कि दोस्तों एक बाउल में 8 स्टड 8 नट आते हैं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।